गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुराग मिश्रा, सोशल स्टडी टीचर। आज आपको क्लास सिक्स की फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं और उसको जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। आज हमारा टॉपिक है एन अप्रोच टुवर्ड्स द पास्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट को जानने के लिए, पास्ट को समझने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके बारे में हमको अच्छी जानकारी मिल जाए। हम अपने सब्जेक्ट सोशल स्टडी में हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस ज़्यादा इसलिए देते हैं क्योंकि हिस्ट्री हमको बताता है कि कोई चीज़ कितनी सही और सटीक हुई और उसका महत्व कितना है। इवन आज भी आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, किसी होटल में रहने जाते हैं, किसी शॉप से कपड़े खरीदने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो आप उसकी हिस्ट्री पता करते हैं किसी पर्सन से, किसी साइट से, किसी व्यक्ति से, विशेष से, कि वह दुकान कितनी अच्छी है, कितनी लॉयल है, वहाँ सामान कितना सही मिलता है और वहाँ किस तरीके से हॉस्पिटलिटी दी जाती है। ये सभी चीज़ें इतिहास से जुड़ी हुई हैं क्योंकि किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का इतिहास बताता है कि वह कितना सही है, कितना सदुपयोगी है। तो आज हमारा विषय इतिहास है, इसीलिए हम इसको थोड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हिस्ट्री इज ऑल्सो टेल अस अबाउट द पास्ट इवेंट, जो भूतकाल में कुछ भी ऐसा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या अच्छा, क्या हुआ, क्या गलत हुआ है। इट्स अ काइंड ऑफ पास्ट इवेंट, यह केवल पास्ट इवेंट है जो हमें बताता है कि इस फील्ड से, इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ इसका पास्ट क्या है। और ऐसे में जब हम सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री हमको बीते हुए समय में उन राजाओं, उन शासकों, उन रूलर्स के द्वारा किया गया साम्राज्य, उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं के मुद्दों को हम समझते हैं, उन गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और आज भी जो हम अपने शासन व्यवस्था में, प्रशासन व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में जो हम सरोकार करते हैं, वो हमारी पुरानी इतिहास से ही जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इतिहास की ही आधुनिकता का हम पैमाना आज अपने समाज में सेट करते हैं। तो इतिहास के इंपॉर्टेंस तो कई हैं। सबसे पहले तो हम उन राजाओं के बारे में जानकारी अच्छी प्राप्त कर लेते हैं जो राजाओं ने अच्छे काम किए अर्थव्यवस्था में, ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक चीजें जो हमारे समाज को बढ़ावा दे सकें, जैसे कि शिक्षा का उदय होना भी यह हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसको हमारे देश और हमारे समाज ने बढ़ाया है, तो ये हमें इतिहास से ही प्राप्त हुआ है। और भी ऐसी सारी चीजें हैं, निर्माण कार्य करना, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग बनाना, सड़कें बनाना, ये सब इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो इतिहास का महत्व हमारे समाज में, हमारे जीवन काल में बहुत ज्यादा है। ऐसे में इसके डिविजन्स किए जाए तो यहां डिविजन्स दो काइंड्स की हो जाएगी। पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा है हिस्ट्री। फ्रेंड्स, यहां मैंने लिखा है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में आते हैं तो आपको ये समझना होगा कि इतिहास का यह वह दौर था जब इंसान को लिखना पढ़ना नहीं पता था। इट इज अ काइंड ऑफ पीरियड व्हेन ह्यूमन डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। तो आखिरकार हमारे पुरातत्व वैज्ञानिक या हमारे भूगर्भ वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी कैसे हुई कि उस काल में कौन से कार्य कब और कैसे हुए, उस काल के नियमों, कानूनों
और चीजों के बारे में किस प्रकार से हमको जानकारी हुई। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस, ज्वेलरी, पॉटरी एक्सेट्रा। हम मॉन्यूमेंट्स, उन मॉन्यूमेंट्स के माध्यम से उनमें बने हुए इंग्रेव स्टोन्स, रॉक कट टेम्पल्स, उन सब व्यवस्थाओं को देखकर, उनकी ज्वेलरी को देखकर, उस जमाने के राजाओं के सिक्के, सोने चांदी और कॉपर के सिक्कों को देखकर, उस माध्यम पे ज्वेलरी पॉटरी बर्तन को देखकर, इन सब चीजों को जहां भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं, इन सब को देखकर हमारे इतिहासकार ने, हमारे जियोलॉजिस्ट ने तय किया कि ये प्री हिस्ट्री का जो मैन होगा, ये प्री हिस्ट्री का जो सिविलाइजेशन होगा, इतिहास होगा, वो इस प्रकार से रहा। वहीं दूसरी तरफ हम अगर हिस्ट्री में आते हैं तो हिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट का, पास्ट का वह डिवीजन है जहां पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। ये रिटन रिकॉर्ड किसी का ऑफिशियल अकाउंट हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, या फिर बायोग्राफी हो सकती है। किसी की जीवनी, किसी की आत्मकथा, कोई लेटर या फिर कोई अकाउंट्स, ये सभी हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये उस समय के राजाओं के बारे में, उसके गतिविधियों के बारे में, राजतंत्र व्यवस्थाओं के बारे में हमको बताते हैं। तो आज हम ये जान पाए हैं कि हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, माफ कीजिएगा, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या अंतर है और ये किस प्रकार से होता है। फ्रेंड्स, हम अपने अगले वीडियो में डिस्क्रिप्शन के साथ इसको समझेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।